हनुमान जी का पंचमुखी देख सकते हैं आप। इधर का दो सिर कंप्लीट हो चुका है, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का दो बनाना बाकी है और उंगलियां बनाना बाकी है अभी। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज के ब्लॉग में हम बनाएंगे मिट्टी से हनुमान जी की पंचमुखी वाली मूर्ति। मैं गया था घूमने तो वहाँ एक मूर्ति मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने सोचा चलो उसको बनाते हैं। तो गाइस, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे मैं ऐसे वीडियो में लाता रहूँगा। तो गाइस, बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। दुकान में ही जुगाड़ करके बैठे हुए हैं बनाने के लिए। तो ये है मिट्टी जो कि आसानी से आपको नदी के पास मिल जाती है, मैं वहीं से लाया हूँ नदी के पास से, जिसमें मैंने जो रुई होता है रुई वो देखिए उसको मैंने मिला दिया है, उसके रेशे इसमें मिल चुके हैं। मैं जूम मार के दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए रेशे आपको दिख जाएंगे। इससे क्या होगा गाइस, मिट्टी फटेगी नहीं जब आप मूर्ति बनाओगे सूखी, जब जो मूर्ति आप बना रहे हो तो सूखने लगता है तो मूर्ति फटने लग जाता है, इससे फटने की संभावना कम हो जाती है। तो मैं रुई मिलाता हूँ और बाकी लोग और भी जो बोरा आता है उसका भी उपयोग करते हैं, मगर मैं रुई का उपयोग करता हूँ। तो गाइस, बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। Thank you.
गाइस कुछ इतना कंप्लीट हुआ है मूर्ति हनुमान जी का पंचमुखी। देख सकते हैं आप, इधर का दो सिर कंप्लीट हो चुका है, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का दो बनाना बाकी है और उंगलियां बनाना बाकी है अभी। तो कैसा लग रहा है गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो लंबा हो जाता और अभी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ तो बनाते नहीं बन रहा है, अच्छे से फोकस करके बनाते, बैठ के बनाते नहीं बन रहा है, तो अभी काम मैंने रोक दिया है। तो गाइस मिलते हैं इस वाले वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।